हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह आपके पसंदीदा शो शेफ 21 के साथ। आगाज में सिर्फ इतना ही कहूंगा, तुम जो आते हो उसी दिन को ईद कहते हैं, आरजू कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। ये जो रौनकें हुई आपके आने से, ऐसे आने पर खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, मटन हो या बीफ हो, चाहे कबाब हो, मज़ेदार हो, जायकेदार हो, लेकिन जूसी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो शहर कराची की ऐसी जगह जहाँ बहुत ही खास रेसिपीज आपके लिए तैयार की जाएंगी, और आज एक नहीं बल्कि दो बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज पहली बनाएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। बहुत ही खास मटन कटाकट और साथ ही मटन मखनी, इसके साथ ही चलते हैं रेसिपी की जानिब। जी दोस्तों, चाहे आप लंदन जाएं या अमेरिका, लेकिन देसी खाने हमेशा बहुत ज़्यादा याद आते हैं। बहुत ही खास रेसिपी आज आपके साथ शेयर करें, बहुत ही खास मटन मखनी। और मटन मखनी का आगाज़ करते हैं कटिंग का। मटन मौजूद है ताज़ा फ्रेश, और ये सलमान साहब मौजूद हैं जो हमें बताएंगे किस तरह मटन मखनी के लिए मटन की करनी है कटिंग। जी सलमान साहब प्लीज़, किस तरह करना है मटन लेग पीस? और ये लेग का गोश्त जल्दी कट जाता है? फ्रंट लाइन लेग। वाह, मटन की कटिंग का सिलसिला जारी है, और लेग जो पीसेस होते हैं, लेग का मीट जल्दी गल जाता है कंपेरेटिवली बाकी पीसेस के। तो फ्रेश ताज़ा कुर्बानी के बहुत अच्छे से तरह तैयार कर सकेंगे, और इसमें कटिंग का सिलसिला जारी है। सफाई अच्छी तरह ज़रूरी है, वॉश कर लेना, दूसरा ये हाइजेनिक वे में बना रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान, और आपकी सेहत पे नो समझौता। और देखिए पेट चर्बी अलहदा करें सलमान साहब। सर कितना लेना है गोश्त? तकरीबन 300 ग्राम, हाफ हांडी। हाफ हांडी के लिए 300 ग्राम मटन। देखिए अगर आप फुल बना रहे हैं तो आपने लेना होगा 600 ग्राम मटन। मटन लिया और इसके कर रहे हैं पीसेस, ये देखिए आप। वाह, मटन मखनी के पीसेस हो चुके हैं, और सब थैंक यू सलमान साहब। और इसके साथ ही सबसे अहम मरहला स्टार्ट होगा अब जो इसकी कुकिंग, तो लेट चलते हैं मटन मखनी के कुकिंग की तरफ। दोस्तों मटन मखनी के लिए मटन को काट चुके थे, देख सकते हैं फ्रेश ताज़ा। और जगह की या टाइमिंग की बात की जाए, यहाँ की खास बात, यहाँ की मज़ेदार रेसिपीज और यहाँ सेक्शन में मौजूद है जहाँ मेन डिशें बनती हैं, तो यहाँ मौजूद हमारे साथ शेफ अहमद साहब। साहब अहमद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मटन मखनी बना रहे हैं जी। तो मटन कटा हुआ है, पहले क्या बॉईल करना है? इसको बॉईल करना है। किस तरह बॉईल करना है? इसको पानी में बॉईल करना है। जी दोस्तों, मटन शामिल ही किया है, खुशबू बहुत आ रहा, और पानी ऐड करना है जी। पानी और मटन के अंदर अहमद साहब ने पानी शामिल किया, और क्या मिलाना है इसके अंदर? ये इसके अंदर अदरक लहसुन डालना है। देखिए मटन पानी के बाद अदरक लहसुन पिसा होगा जो शामिल करें, लगभग 2 खाने के चमचे फ्रेश ताज़ा प्याज भर। और आप जी अभी बॉयल करना है ये 25 मिनट, आधा घंटा ये बॉयल होगा, उसके बाद इसके अंदर मसाले डालेंगे। ठीक है दोस्तों, मखनी आंडी के लिए पहले मटन को बॉईल किया, पानी के अंदर ऐड किया, अदरक लहसुन पिसा होगा। 20 से 25 मिनट बॉईल होने के बाद आपने ठंडा कर लेना है, और नेक्स्ट प्रोसेस पूछते हैं अहमद साहब से। जी दोस्तों, बॉईल हो चुका है, और दुनिया की कोई भी डिश आप बना रहे हो, स्पाइसी सी वो होते हैं जो मैजिकल टच लाते हैं। तो शेफ अहमद से पूछते हैं मसालों में पहले क्या डालना। जी अहमद साहब, पहले लाल मिर्च, थोड़ा सा ऑयल डालना है। क्या बात है, कितना? ये 4 से 5 खाने के चमचे का जी। उसके बाद लाल मिर्च डालनी है, उसके बाद पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च जो शामिल किया मखनी के लिए। उसके बाद थोड़ा धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच। जी सर, उसके बाद जीरा पाउडर है। जीरा पाउडर बहुत ही खास सीक्रेट रेसिपी, लिख लीजिए आप जीरा पाउडर। उसके बाद गरम मसाला है, गरम मसाला पिसावा सी खुशबू बहुत ही आला, आधा चाय का चम्मच। नमक हसबे जायका, हसबे जायका,
और जायके से कम रखिए, सोडियम जितना अच्छा नहीं होता जी। दोस्तों बहुत ही खास मखनी हांडी, तो यकीनन आज आपके दस्तरखानों की जीनत बनेगी। मटर में मसाले शामिल किए, इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, लाल मिर्च, उसके बाद मक्खन। कुछ देर के बाद जब गोश्त गल चुका जी अहमद साहब, मक्खन कितना शामिल करना है? मक्खन आधा टिक्की शामिल करनी है इसमें। कितना? आधा आधा, यानी कि कोई आपने दो से तीन खाने के चमचे मक्खन भी शामिल कीजिए जी। वाह, और मक्खन जैसे ही शामिल किया है खुशबू बहुत ज्यादा, और इंतजार है कि कब इंतजाम के साथ मिक्स करना है। सर आपने फाइव स्टार होटल का खाना तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज अहमद साहब की मैजिकल मटन मखनी चार्निंग तक हम देख रहे हैं और गोश्त गलता जा रहा है। और कितनी देर कुक करना है इसे अहमद साहब जी? कितनी देर से और कुक करना है? बस इसके अंदर अभी डालना है, दही डालना है थोड़ा सा, और थोड़ी क्रीम डालनी है, उसके बाद तैयार हो जाएगा। दही और क्रीम, और आगाज में शामिल नहीं करना, कुछ देर के बाद। ठीक है, कुछ देर के बाद। और खुशबू बहुत ही आ रहा है, देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता मक्खन मेल्ट होता जा रहा है, गोश्त गलता जा रहा है, और यहाँ नान हमारे रेडी हो रहे हैं दूध वाले सॉफ्ट नान के साथ गन्ना पेश जी। अहमद साहब प्लीज, मटन मेल्ट हो चुका है जी। दोस्तों हम मटन मखनी की खुशबू बहुत आ रहा, और अब इसमें ऐड करें दही, फ्रेश योगर्ट जी सर प्लीज, जो लगभग आधा कप के बराबर, 300 ग्राम मटन में आधा कप दही। दही की बात कर शामिल करना है, क्रीम अभी करनी है कुछ देर के बाद, मिक्स करना है। वाह जी वाह, क्या बात है, शहर है कराची, और कराची शहर के खानों की मटन मखनी हो रहा तैयार, खुशबू बहुत ही आ रहा। चाहे दूध वाले नान के साथ खाएं या चपाती के साथ, इसका अपना ही मजा। तो गल चुका, क्रीम ऐड करनी है, प्लीज शामिल कीजिए क्रीम। अहमद साहब फ्रेश क्रीम शामिल करें, फेस पकड़ो, क्रीम शामिल की लगभग कोई आधा कप के बराबर। देखिए मटन जायकेदार, मक्खन का जायका, साथ ही फ्रेश क्रीम से और ज़्यादा मैजिकल हो चुका है। जरा से किया मिक्स जी। दोस्तों हो चुका बिल्कुल तैयार, लाज में ऐड करते हैं हरा धनिया जी सर, लगभग दो खाने के चमचे हरा धनिया शामिल किया करते हैं इसे, फिर मिक्स हल्का सा, हल्का मिक्स करना है जी। दोस्तों बहुत ही फास्ट मटन मखनी हो चुकी है तैयार, हमसे इंतजार नहीं हो रहा, बिल्कुल इंजॉय करना है नान के साथ। लेकिन आज रामने का खास शो है, तो सिर्फ बात मटन मखनी की हद तक नहीं, बल्कि एक और खास रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ, बहुत ही खास कटाकट। तो चलते हैं कटाकट की जाने जी। दोस्तों कहते हैं आओ फाका मस्ती में झूम ले, रंग जमा दे, और के साथ ही हम जमा रहे रंग आप सबके संग, बहुत ही खास कटाकट की रेसिपी, और हमारे पीछे शेफ अब्बास साहब कटाकट कर रहे हैं तैयार। हम एक और कटाकट की रेसिपी का आगाज करते हैं, अदरक लहसुन पिसा हुआ, जिससे ना सिर्फ अच्छा जायका, साथ ही खुशबू आला जी। दोस्तों कटाकट बॉयल हो चुका है, खुशबू बहुत ही आला, डेफिनेटली सेम टेम्पटिंग, और इसके बहुत खास मसाले शामिल किए जाते हैं। जी दोस्तों कहते हैं आओ फाका मस्ती में झूम ले, रंग जमा दे, और के साथ ही हम जमा रहे रंग आप सबके संग, बहुत ही खास कटाकट की रेसिपी, और हमारे पीछे शेफ अब्बास साहब कटाकट कर रहे हैं तैयार। हम एक और कटाकट की रेसिपी का आगाज करते हैं, जरूर आप बकरा ईद में, ईदुल अजहा में, ईद के बाद भी रेसिपी बना सकते हैं। कटाकट के लिए देखिए, दिल, गुर्दे, मगज, ब्रेन, किडनी, हार्ट, तीनों चीज़ों की बहुत ही अहमियत है, और इसे सबसे पहले बॉईल करना है, अच्छी तरह से वॉश कर लेना बहुत ज़रूरी है। बॉइलिंग के लिए पानी रखा और पानी में शामिल किया, देखिए बहुत ही खास कटाकट खाने के लिए बहुत से लोग यहाँ आते हैं, उसकी सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। पानी ये बॉइलिंग के लिए बॉईल करना है, और दिल, गुर्दे, मगज, कहते ना दिल गुर्दों का काम है, ठीक है, ब्रेन, किडनी, हार्ट, और शामिल किया करना है, बॉइल से रखा यहाँ, और इसी दौरान अदरक लहसुन पिसा हुआ,
जिससे ना सिर्फ अच्छा जायका आएगा साथ ही खुशबू वाला। अदरक लहसुन लिया और लगभग 2 खाने के चमचे शामिल किया अदरक लहसुन, ठीक है, और इसे करना है बॉइल, ठीक है। अब आप सब चूल्हा तेज करना चाहेंगे आप बंद है। थैंक यू जी दोस्तों, का बाद साहब ने चूल्हा तेज किया, दिल गुर्दे मगज थोड़े बॉइल, बॉइलिंग बहुत जरूरी है। अदरक लहसुन में बॉइल करने का बिगेस्ट रीजन इज डेट कि इसकी एक तो स्मेल और खुशबू बहुत ही आला, ठीक। और ये दिल गुर्दे मगज बॉइल कटाकट के लिए दिल गुर्दे मगज फ्रेश, आप कुर्बानी का गोश्त भी ले सकते हैं। पहले बॉइल करना है अदरक लहसुन दिल गुर्दे मगज, कुछ ही देर में बॉइल हो जाएंगे। वैसे बात सब आप लोग कितनी देर बॉइल करते हैं सर? 2-3 मिनट के लिए। जी शेफ अब्बास का कहना है दिल गुर्दे और मगज को 2-3 मिनट तक बॉइल, क्या बॉइलिंग का प्रोसेस जारी है। बॉइल दौरान काटना नहीं होता, साबित बॉइल करते हैं, काट ले, देखिए दौरान भी आप चाहें तो काट भी सकते हैं। दिल गुर्दे मगज और ये देखिए आप और बाकी कहा जाता है दुनिया कर रहे हो जितना ज्यादा अच्छा होता है, ये कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितने खुश नजर आ रहे हैं। देखिए अब्बास साहब मुस्कुरा रहे हैं और के और यकीनन 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 शादियों के सिलसिले का भी आगाज। कुछ हार्ड है कुछ ही देर में सौंप लोगे। जी दोस्तों कटाकट बॉयल हो चुका है, खुशबू बहुत ही आला, डेफिनेटली सेम टेम्पटिंग और इसके बहुत खास मसाले शामिल किए जाते हैं जो देख लीजिए। अदरक लहसुन है, ठीक है, साथ ही कुकिंग ऑयल बिल्कुल शामिल करना है, काली मिर्च पाउडर, साथ ही सूखी मेथी फेनुग्रीक शामिल करनी है, बहुत ही खास पिसा हुआ गर्म मसाला, नमक, सोल्ट डेफिनेटली जहाँ से जायके की इब्तदा हुई, और साथ ही ग्रीन चिली छोटी मिर्चें जो लगती तो छोटी हैं लेकिन बहुत तेज होती हैं और मैजिकल टच आता है, साथ ही हरा धनिया और टमाटर 3 से 4 अदद बिल्कुल शामिल करने हैं। ये तो होगी रेसिपी और बॉयल जो दिल गुर्दे मगज हैं उसका प्रोसेस का आगाज करते हैं, तो अंदर आइए और प्रोसेस का आगाज करते हैं। दोस्तों दिल गुर्दे मगज टमाटर शामिल किए और यहाँ के कटाकट के मास्टर शेफ हबीबुल रहमान मौजूद हैं, इसके बाद क्या करना है? बनाई करेंगे क्या करें? और जरा सा पानी शामिल, आपको फील होगी सरफेस पे लगना स्टार्ट हो चुका है। अच्छी तरह से करते हैं मिक्स, नमक लाल मिर्च शामिल कर चुके थे, अब मसाले कुछ देर के बाद, कितनी देर लगती है गलने में? देर हो गया, गल गया। अच्छा ये आप कितने अच्छे से काम कर रहे हैं? 30 साल से कटाकट बना रहे हैं, और क्या क्या बना सकते हैं आप? कटाकट, ठीक है, और ये गल चुका है, खुशबू बहुत ही आ रहा है, धनिया कब शामिल करना है? अच्छा जब गोश्त ये कटाकट गल चुका है, खुशबू बहुत ही आला, और उसके बाद काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च के साथ ही सूखी मेथी कसूरी मेथी शामिल की और गरम मसाला पिसा हुआ। जी दोस्तों कटाकट हो चुका है तैयार, अब चलते हैं पूरी की तरफ और फरीद साहब बनाने। जी फरीद साहब, पहले आटा रखा और हल्का सा ऑयल अप्लाई किया, ठीक है, और तैयार करें, कितनी देर लगती आटे को, किस तरह बनाया था आपने? देखिए आटा शामिल किया, कुछ ही देर में फूले, फूले की तो खुशबू बहुत ही आला, उसके बाद टर्न किया, फ्लिप किया और फूलने लगी, देखिए बहुत ही आला, देख सकते हैं आप कैमरे की नज़र से सेकंडों में फूलती जा रही है। एक मिनट का, कुछ ही देर में फूलती जा रही है, फूलिए टर्न किया, कुछ ही देर में हल्का सा ऑयल ऊपर जरूर अप्लाई करना है, देखिए और ये देखिए तैयार हुई, निकाले और से निकालते हैं,
ठीक है, जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म करूँगी, एक और शामिल किए, कुछ ही देर में फूलेगी। कुछ ही देर में फूली, ये देखिए आप, और फिर जैसे फूली के टर्न करना है, ठीक है। अच्छा याद रहेगी, ये छोटी पूड़ियाँ रोल की उड़ी हैं तैयार, रोल के लिए, सीख कबाब के लिए भी जरूर बना सकते हैं, इसे भी निकालते हैं। ठीक है, तैयार होती जा रही, जैसे फूलेगी हल्का सा ऑयल, और ऑयल देखिए कितना साफ सुथरा साफ हो रहा है तैयार, ज्यादा काला ना हो, टर्न किया दूसरी से भी, और कुछ ही सेकंड बहुत अच्छी फूल चुकी है, जैसे फूली से निकाला, वाह बहुत ही आला। और इसी पूरी को बीफ कबाब या किसी और डिश के साथ भी डेफिनेटली इंजॉय कर सकते हैं, ना सिर्फ आप लंच डिनर ब्रेक, आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में भी हलवे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज की दोनों मजेदार रेसिपीज कटाकट पूरी और साथ ही मटन मखनी भी हो चुका है तैयार। मटन मखनी और कटाकट के बाद अगली हमारी मंजिल है सज्जी, और सज्जी पे मौजूद है आबिद साहब। कैसे हैं आप? ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। जीरा और नमक मिला के मैरिनेट कर चुके थे, कोशिश करना जब आप बनाए कंटिन्यूसली लाते रहे, और इन्हीं मसालों के साथ अगर आप चाहें तो ओवन में भी बना सकते हैं। मटन मखनी और कटाकट के बाद अगली हमारी मंजिल है सज्जी, और सज्जी पे मौजूद है आबिद साहब। कैसे हैं आप? ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। ईद के दिन भी आबिद साहब सज्जी बनाने में बिल्कुल मसरूफ हैं, और आबिद साहब सज्जी किस तरह बनती है जरा बताइए। ये दो ढाई घंटे लगते हैं तकरीबन, दो ढाई घंटे। अच्छा, अगर तीन साबुत चिकन हो तो इसमें मसाले क्या कर जाएंगे? चटपटे मसाले होते हैं, रेडी करने के बाद लगा देते हैं। नहीं, पहले क्या करते हैं? सबसे पहले पहले ये हाफ डन होते हैं शाम को, नहीं पहले सिरका डालते हैं इसके अंदर, सिरका अदरक लहसुन होता है, सिरका कितना जी जायके मुताबिक होता है। अच्छा, हसबे जरूरत सिरका, पिसा हुआ अदरक लहसुन, सफेद जीरा, सफेद और जीरा शामिल करने के बाद मैरिनेट कर, अदरक लहसुन, अदरक लहसुन जी, सिरका अदरक लहसुन जीरा और नमक मिला के मैरिनेट कर चुके थे, उसके बाद यहाँ कितनी देर को कोटा है? तकरीबन एक घंटा डेढ़ घंटा पानी में रखते हैं उसको भिगा के, पानी के अंदर जी पतीले के अंदर, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे कच्चा माल लगता है। ओके, उसके बाद यहाँ हो रहा है कुक, और लेट की कहाँ तक पहुँचा बल्कि अंदर ही आते जी सर। जी दोस्तों, सब्जी हो रही तैयार, ब्राउन हो चुकी है, और कितनी देर में हो लगेगी इसको? ये तकरीबन 10 मिनट में बस। अच्छा, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, बहुत से होटल या रेस्टोरेंट में लोग बनाकर रखते हैं वो शाम को, जो 2-2.5 घंटे लगते हैं शाम को, बहुत से लोग ओवन में रखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट हो रहा है जी, और डायरेक्ट ये 2-2.5 घंटे में कुक हो जाते हैं। अच्छा, निकालने के बाद इसे चाट मसाला जाएगा जी, चाट मसाला, चार मसाले उसको बस अब तैयार है, तकरीबन 4 मसाले और लगते हैं खुशबूदार। तो निकालें जी, निकालेंगे अभी, 2-3 मिनट लगेंगे और सर निकालेंगे जी, बिल्कुल निकालेंगे। और इसे किस चीज़ के साथ खाते हैं? जी सर, ये इसके साथ तंदूरी भी चलता है, कांदारी नान के साथ खाते हैं, पूरी पराठे खा सकते हैं, तकरीबन सर 2 से 4 बंदे खा सकते हैं, मेरा जैसा बंदा तो एक ही खा सकता है सर, इनके जैसा बंदा एक ही खा सकता है, अगर शेरी जैसा होगा तो, शेरी होगा तो तकरीबन क्वार्टर के हिसाब से 2 बंदे आ रहा है, शेरी होगा 2 खा लेगा, शेरी इतना क्यों खाती हो भाई। अच्छा, ये फाइनल हो रही है, और लास्ट में क्या मसाला जाएगा? मसाले लगेंगे चटपटे, 4 पीसेस में होगा मसाले, 1 पीस में भी बनेगा, मसाले में 4 मसाले होते हैं, कई गुंदा 4 मसाले होते हैं, और 4 मसाले कौन कौन से? ये चाट मसाला होता है, काली जी काली मिर्च होती है, जीरा होता है, जीरा पिसा हुआ जी, इलायची होती है, इलायची, जीरा, काली मिर्च और चाट मसाला, चाट मसाला। दोस्तों, सब्जी हो रही है तैयार, और फाइनल मराई में हो चुकी है, आबिद साहब ने गोश्त को गला लिया है,
और खाने की भी तैयारी करते हैं, निकालते हैं, निकाले जी सर, दो तीन मिनट और लगेंगे, दो तीन मिनट और भी आइटम तैयार हो रहे हैं उसके और साथ। कोशिश करना है जब आप बनाए कंटिन्यूसली लाते रहे जी, और इन्हीं मसालों के साथ अगर आप चाहें तो ओवन में भी बना सकते हैं, वो जायका तो नहीं आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल। खास रेस्टोरेंट या होटल में आप बनाते हैं खाते हैं अपना ही मजा, लेकिन ओवन में भी आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इट मैटर। अच्छा ये देखिए ब्राउन होने के बाद लाल हो, बहुत अच्छा चुका जी, क्या कहते हैं लाल बिल्कुल। कितने अच्छे से कर रहे हैं? 17-18 साल से, 17 साल से ईद का दिन है, बच्चे आपके घर से जी और आप यहाँ मौजूद हैं जी। सलाम मैं आबिद साहब के लिए तालियां मैं जरूर कहूँगा जी सर, और आबिद साहब ये तैयार होने वाली है जी जी, ब्राउन लाना जरूरी है, लाजमी है, खरी खरी लगती है सर बिल्कुल, ब्राउन जितनी लाल होगी इतना मजा आएगा, टेस्टी होगी जी दोस्तों। जिस तरह शेफ आबिद ने कहा जितना लाल होगा उतना ही मजा आएगा, चटनी कौन सी होती है इसका? चटनी तो इसमें रायते की होती है, वाइट भी होती है, रायता अमली की रायता, ये आम जो चलता है सर नेस्ले की तरह जो होता है दही वाला। अच्छा दही अलग चाहे रायता हो, नॉर्मल चटनी हो, सैलेड हो, जरूर बना सकते हैं। जी दोस्तों फाइनली हमारी तमाम रेसिपीज हो चुकी हैं तैयार। ईद की बात की जाए तो ईद को अपनों के साथ गुजारने का अपना ही मज़ा होता है, और आप भी हमारे अपने हैं, आपके साथ हमने सेलिब्रेट की ईद, और आज हमने बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाई, चिकन टिक्का कटाकट, ठीक है कटाकट के साथ मखनी मटन मखनी, बहुत ही मज़ेदार सैलेड, रायता, चटनी, नान बहुत ही खास दूध वाले सॉफ्ट नान, और साथ ही पराठे भी हो चुके हैं तैयार, साथ ही यह वैरायटी में चपाती भी बिल्कुल मौजूद है। तो जब भी आप ट्राई करें आगाज़ कीजिए सैलड के साथ, तो सैलड में कोकम्बर खीरा जिसके फ़ायदे यकीनन बहुत ज़्यादा आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम को बूस्ट करता है, चखते हैं। वाह अब आगाज़ करते हैं टिक्के के साथ, ना सिर्फ टिक्के बल्कि बॉडी भी मौजूद है, और बॉडी देखिए आप अंदर तक बिल्कुल गल चुकी है, सॉफ्ट टेंडर, जब खाएंगे इसका अपना ही मज़ा, और कुर्बानी का गोश्त हो मज़ेदार मटन बॉडी उसका अपना ही मज़ा, ज़रा से चखते हैं, चखना एक आर्ट है और बिल्कुल सॉफ्ट है, देखें मज़ेदार बन जाए, जायकेदार हो, लेकिन जब बॉडी लें जूसी ना हो, सॉफ्ट ना हो, मज़ा नहीं आता, तो अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है चखते हैं। वाह बहुत ही आला टेम्डिंग, मज़ेदार, सॉफ्ट और इधर जूसी, और यकीनन सब ये फिनिश करना है, और साथ ही बोटी के बाद टिक्के की तरफ चलते हैं, टिक्का भी ये देखिए अब चटपटा है, चटखाड़ेदार है, और मीट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, टिक्का भी, और साथ ही जब बात की जाए हम सब की ऑल टाइम फेवरेट मटन मखनी, मटन मखनी गोश्त गल चुका है, स्पाइसी का जायका रख चुका है, मक्खन ने अपना जादू जगा दिया इसके अंदर, गोश्त गल चुका है, लास्ट में गरम मसाले ने मैजिकल टच दिया, मटन मखनी को चखते हैं। नान भी बहुत ही अच्छे फ्रेश ताज़ा नान हो, और पाकिस्तान से बाहर आप जहाँ कहीं चले जाएं मुल्क के नान बहुत ज़्यादा आते हैं, नान लेते हैं और चखते हैं जरा, बहुत ही आला जायकेदार टेम्प्टिंग। कुछ ऐसी रेसिपीज होती हैं जब अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, इट इज़ वन ऑफ देम, यकीनन ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हमारी टीम के लिए रोकना बहुत मुश्किल, बहुत ही लजीज मक्खन मखनी मटन, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिए, मखनी हांडी, और मटन के अलावा आप चाहें तो बीफ दें या चिकन में भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली मंजिल हमारी जो है कटाकट, दिल गुर्दे मगज ब्रेन किडनी हार्ट सब कुछ शामिल किया था, चलते हैं कटाकट की तरफ, और ये कटाकट का देखिए लास्ट में जो हरी मिर्चें शामिल की थी, एक तो आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम को बूस्ट करती है इसका अपना ही मजा, ठीक है, और जब कढ़ाई को मैं चखा था मटन मखनी को नान के साथ, तो जाहिर है मौजूद है चपाती भी,
चपाती जाहिर है इजी टू ईट भी है, मज़ेदार भी है, चपाती का अपना ही मज़ा। और आजकल जो फरमाइशी चपाती वो यकीन बहुत ही आला। एंड ऑलवेज चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ बनाए चटनियों का ज़रूर एहतमाम कीजिए। तो चटनी दो तरह की है, देखिए एक तो रायता और रायते के साथ इमली की चटनी डाइजेस्टिंग सिस्टम को बूस्ट करता है। बहुत से लोग कहते हैं ईद में ज़्यादा हैवी खाने की वजह से पेट भी खराब हो जाता है, तो यकीनन ये डाइजेस्टिंग सिस्टम को बूस्ट करती है, हाजमे को बेहतर बनाएगी। चटनी भी क्या बात है जनाब, चटनी की बहुत ही आला। ठीक है चपाती से चखते हैं, बल्कि अब बात चखने की नहीं बल्कि खाने की हो चुकी है। ठीक है देखिए, वाह बहुत ही आला जायकेदार टेम्पटिंग, और अपने लिए रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। तमाम रेसिपीज हो चुकी हैं तैयार, आपके साथ मौजूद रहे आज किचन से हटके इंडोर कुकिंग करते लेकिन आउटडोर हम यहाँ आए, बहुत मज़ा आया। तमाम मज़ेदार टेम्पटिंग रेसिपीज हो चुकी हैं तैयार, साथ ही वक्त आ चुका है इजाजत लेने का। वंस अगेन मेरी जानिब से हमारी पूरी ग्रेट टीम की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और यही कहेंगे कि ना माजी की बात करते ना हाल की बात करते, हम तो मुस्तकबिल की बात करते, हम तो वीरानों में भी गुल की बात करते। अगर तुम मस्बत है तो छूकर गुजर, एक और दिया जला कर गुजर। मेरी जानिब से हमारी ग्रेट टीम की जानिब से आप सबको पूरे पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।